Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. असंख्यक समाज पार्टी के एक और उम्मीदवार ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से अपना फार्म भरा। हर खबर की टीम ने उम्मीदवार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं से बात की। सर, मैं प्रवेश और अपने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से प्रत्याशी असंख्य समाज पार्टी का। सर, जो आपने अभी यहाँ फार्म भरा, हाँ जी, तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं? सर, हमारा जो मुद्दा है, हम ये चाहते हैं कि जो ये गरीबी जो अर्थ है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब जैसे सत्तर जो होता है ना, जो मतलब एक लेवल होता है, ऊंचा बढ़ता चला जाता है, तो इस तरह से कुछ बड़ी पार्टियों के लोग, कुछ बड़े लोग ऊपर अमीर बनते ही जाते हैं और गरीब आदमी और गरीब बनता जा रहा है, तो हम उस सत्तर को ख़त्म करना चाहते हैं। तो सर, जैसे बीजेपी है, आम आदमी है, कांग्रेस है, और आपकी जो अभी ये पार्टी है, तो कैसे टक्कर दे पाएंगे? सर देखिए, जो बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और जो आप है, ये सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ पैसा कमाना और अपने आप को ऊपर तक लोगों को दिखाना कि हम सत्ता में हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हम तो सिर्फ गरीब का जो अर्थ है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो सभी को एक लेवल में लाना चाहते हैं। हाँ जी, गरीब का अर्थ कैसे खत्म करना? गरीब का अर्थ सभी को एक लेवल पर ला कर, क्योंकि जैसे अभी जो हमारे काफ़ी जो जाने माने नाम हैं, उनके पास इतनी संपत्तियां हैं, तो उनको उनके लेवल तक की संपत्ति के अलावा जो उनके पास एक्स्ट्रा संपत्ति है, हम उनको गरीबों में शेयर कराएंगे या किसी तरह से कुछ ऐसे कानून, नियम, संविधान बनाएंगे। शेयर की बात करें, कांग्रेस ने भी बोला हम पैसे देंगे साथ, बीजेपी का भी पहले मुद्दा उठा था। नहीं देखिए, ऐसा आप भी फिर वही कह रहे हैं? नहीं, ऐसा देखिए देखिए, देने में तो आज तक किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया है और ना ही हम भी दे पाएंगे। नियम लागू, सभी एक तरह के नियम संविधान जिसे बोलते हैं, तो वो सब इस तरह से लागू किए जाएंगे। रोजगार पे क्या कहना चाहिए? रोजगार पे सर देखिए, नए अगर उद्योग होंगे तो उनपे नया रोजगार भी मिलेगा लोगों को, और नए नए अगर कुछ जो ये समर्थक आपके साथ आए हुए, इनको क्या कहना चाहूँगा? ये सब सच्चाई के साथ है, ये किसी गरीब को सहारा देना चाहते हैं, किसी गरीब का सहारा बनना चाहते हैं और अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहते हैं और उनके साथ ही रहना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे असंख्य समाज पार्टी ने आज यहाँ पे नॉमिनेशन किया है और आप भी साथ में खड़े, हम चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट जीत के आए। अभी हम सेवक हैं जनता के, अभी हमारी सरकार नहीं है। जब पावर होती है तो पावर से सारे काम होते हैं, यानी कि अगर आपके अभी हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में समानता का राज आए, समानता का। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी संगीता है। संगीता जी, जैसे आज असंख्य समाज पार्टी ने आज यहाँ पे नॉमिनेशन किया और आप भी कैंडिडेट के साथ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनकी सीट निकले, गरीबों को थोड़ा सहारा मिले, क्योंकि गरीबों को कोई नहीं पूछता। बहुत दुखी हम, तो सब पार्टियों से बहुत दुखी हम। कैसे विश्वास करोगे इस पार्टी पे कि ये गरीबों के लिए काम करेगी? हम विश्वास करेंगे, अगर गरीब उठेगा तो वो गरीबों की सहायता करेगा। जो गरीब है वो गरीब की दुख को समझेगा, जो गरीब है, और जो गरीब नहीं है, जो मालदार है, वो गरीबों को क्या समझेगा? यानी कि आप नहीं समझ सकता वो। हाँ जी, मुझे पूरा भरोसा है और मैं ये भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान इनको आगे तरक्की मिले और ये निकले और गरीबों की सहायता करे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कजोड़। क्या कहना चाहोगे सर आज के असंघ समाज पार्टी ने जो नॉमिनेशन जो हमारे प्रवेश जी ने भरा है, तो ये हमारे देश की पूरी समस्या लेकर हम उठाएंगे मुद्दा, किसानों की, मजदूरों की, युवा की और शिक्षा की। देश में शिक्षा में भेदभाव इतना है, आप प्राइमरी स्कूलों में चले जाइए चाहे सरकारी में चले जाइए, जो देश का ढांचा शिक्षा का है, अभी तक 70 सालों में बहुत कमज़ोर चल रहा है। ये आपकी पार्टी कैसे हल कर पाएगी इस समस्या? हल ये कर पाएगी जितने भी अधिकारी, डिपार्टमेंट, सरकारी जो शिक्षा का है, उसको ढांचे को सही तरीके से, और सबकी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए पढ़ाई लिखाई में। किसान का बच्चा हो चाहे गरीब का हो, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बच्चा हो,
एक जैसे देश विदेशों में बच्चों को पढ़ाई शिक्षा के लिए भेजते, सबसे बड़ी हमारे देश की शिक्षा कमज़ोर है। जब तक शिक्षा सही मजबूती पर आएगी हमारा देश, जब ही मेन मुद्दा आपका शिक्षा को लेकर ज़्यादा, शिक्षा को लेकर जब ज़्यादा है, शिक्षा सही पूर्ण उसे रूप से शिक्षा को मजबूत बनाने चाहिए। ये लोग आज तक शिक्षा से सब कुछ सुधार हो जाएगा। जी बिल्कुल। इंदर जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आपके कैंडिडेट जाएंगे? देखो, असंख्य समाज पार्टी का अभियान सबको शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान, सबको शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान मिलना चाहिए, हमारा सबसे बड़ा मोस्ट मुद्दा यही है। और बेरोजगारी जो फैल रही है, फैक्ट्रियां सील हो रही है, दुकानें सील हो रही है, क्या है ये भारत में त्राही त्राही मची हुई है, कैसे सत्ता चला सकते हैं लोग? इसलिए इनको तो छोड़ देना चाहिए, सत्ता हमें दे देनी चाहिए, हम चला के दिखा देंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र सिंह मजदूर, पूर्व प्रत्याशी रिठाला विधानसभा से, असंख्य समाज पार्टी से। तो सर, जैसे आज यहाँ पे फॉर्म भरा गया, आप यहाँ पे सपोर्ट करने आए, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस सब धोखेधड़ी जो है सरकार चला रही हैं। अभी आपने देखा होगा सेंटर सरकार ने और जो है ये हमारी जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने अभी महीना 15 दिन पहले निकाला था गरीबों का बजट दिहाड़ी का, तो उसमें से किसी को भी दिहाड़ी नहीं मिल रही है, ना फैक्ट्री में लेबर को पूरी दिहाड़ी मिल रही है। तो आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर आ रही है? यही मुद्दा रहेगा, गरीबी हटाओ। गरीबी कैसे हटाओ? गरीबी इसी तरीके से हटाएंगे कि जो आगे गरीबों को सम्मान मिले, पैसा जो है टाइम पे मिले। सम्मान से गरीबी हटेगी? नहीं, तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। अब जिसका वेतन हमने निकाला है 16,000 रुपये, तो उसको 16,000 मिलना चाहिए ना। अब 10,000 से 12 घंटे की 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। कौन करवा रहा है ये? कौन करवा रहा है? सेंट्रल सरकार करवा रही है और केंद्रीय सरकार करवा रही है। जो हमारा इसमें आप क्या कहना चाहोगे, आप कैसे इनका समस्या का हल करोगे? समस्या का हल हमें इसीलिए करेंगे कि हमारी सरकार आएगी, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और हम जो है ईमानदारी से, दृढ़ संकल्प से जनता का साथ देंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमारी सुनेगी तो हम जनता का जरूर साथ देंगे। असंख्य समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।